उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की निगासन कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर निवासी राम नरेश करण का 5 मार्च से लापता था, जो छात्र कल घनश्याम उर्फ भोलू 10 वर्षीय गांव के पास में लगभग शाम 5 बजे शव मिलने से ग्रामीणों में फैला आक्रोश। आज लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने कोतवाली निगासन का घेराव करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने सूचना मिलते ही ग्रामीणों को रास्ते में रोका। निगासन क्षेत्र सीओ व निगासन कोतवाली इंस्पेक्टर अमित कुमार दुबे, पलिया कोतवाली को तेज तर्रार कोतवाल संजय कुमार त्यागी मौके पर पहुंच काफी मशक्कत के बाद रोड को जाम से खुलवाया। पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने ग्रामीणों से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। ग्रामीण पुलिस की इस बात से सहमत हो गए व अपने अपने घर वापस लौट गए। लखीमपुर खीरी से वीके त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, ये जो रोड जाम का ये मामला था, इसमें कैसा क्या है? एक्चुअली वास्तव में ये रोड घेराव का कोई मामला नहीं था। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक बच्चा घनश्याम जिसके पिताजी का नाम राम नरेश है, रामपुर का, 5 तारीख को हुआ था, जिसका शव कल दोपहर बाद गांव के एक तालाब में पड़ा हुआ मिला था। बदनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। आज वो लोग अपनी इस बात को कहने के लिए आ रहे थे, जो अभियुक्त हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। वो लोग गांव की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन लोगों से मुलाकात हो गई, उनसे बताया गया जिस चीज़ को अब थाने में कहने जा रहे हैं। थाने के सारे लोग, सारे अधिकारी कर्मचारी ही मुझे अपनी बात को एक पर रखी, उन्होंने उसकी को रखा और उनको आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वो इस बात से आश्वस्त हुए हैं और हम वादा पूरा करेंगे और शीघ्र से शीघ्र जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।